तो यज्ञ के याद में ही पुरुषार्थ रूपी धनुष दे दिया। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ इटसेल्फ ही गेव द बो ऑफ पुरुषार्थ, ज्ञान के बाण दे दिए। ही गेव द एरोज ऑफ नॉलेज, ज्ञान के बाण रखने के लिए बुद्धि रूपी तरकश भी दे दिया। एंड ही ऑल्सो गेव द क्विवर लाइक इंटेलेक्ट टू कीप द एरोज ऑफ नॉलेज। जाओ अलग हो जाओ, कमाओ और खाओ। ही सेड गो बी सेपरेटेड अर्न एंड ईट। अब इस यज्ञ से तुमको कुछ भी, ब्राह्मणों के यज्ञ से अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। नाउ यू आरंट गोइंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस यज्ञ, फ्रॉम द यज्ञ ऑफ द ब्राह्मिन्स। तो सारे सूर्यवंशी बच्चे जो बाप के शरीर छोड़ने के बाद चले गए थे, सो ऑल द सूर्यवंशी चिल्ड्रन हु वेंट अवे आफ्टर द फादर लेफ्ट हिज बॉडी, वो अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं और सारे भारत में बैठे हुए हैं। दे आर सिटिंग हियर राइट नाउ एंड दे आर सिटिंग इन द एंटायर इंडिया। उन सबको नंबर वार अपने बाप की तरह, लाइक देयर फादर ऑल ऑफ देम हैव टू नंबर वाइज। रुद्रमाला के मणके हैं ना, दे आर द बीड्स ऑफ द रुद्रमाला, आरंट दे। छोटे बड़े मणके हैं ना, दे आर स्मॉल एंड बिग बीड्स, आरंट दे। है? पावर है या नहीं है निराकारी स्टेज की? स्टूडेंट्स यस, डू दे हैव द पावर ऑफ द इनकॉर्पोरियल स्टेज और नॉट? है, दे डू। उस पावर के आधार पर उनको नंबर वार बुद्ध रूपी तरकश मिला हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पावर दे हैव रिसीव्ड द क्विवर लाइक इंटेलेक्ट नंबर वाइज। सबको बुद्ध रूपी तरकश में रखने के लिए ज्ञान के बाण मिले हुए हैं। एवरीवन हैज रिसीव्ड द एरोज ऑफ नॉलेज टू कीप इन द क्विवर लाइक इंटेलेक्ट। और पुरुषार्थ करने के लिए धनुष भी मिला हुआ है। एंड दे हैव आल्सो रिसीव्ड द बो टू मेक पुरुषार्थ। जिस धनुष रूपी शरीर के लिए मुरली में बोला है, ये शरीर सड़ते जावेंगे। फॉर दैट बो लाइक बॉडी इट इज सेड इन द मुरली दीज बॉडीज विल कंटिन्यू टू डीके। क्या कहा? What was said? है? शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है। The body is made of the five elements. पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। Earth, water, air, fire and sky. ये पांचों तत्व जड़ हैं या चैतन्य हैं? Are all these five elements inert or living? Students, inert. जड़ ज्ञान को समझेंगे? Will inert elements understand the knowledge? स्टूडेंट्स नो। है वो जड़ पांच तत्व जो हैं, वो कोई चैतन्य आत्माएं भी हैं, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। दोज इनर्ट फाइव एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई आर ऑल्सो सम लिविंग सोल्स। वो आत्माएं ज्ञान को नहीं समझेंगी। दोज सोल्स वोंट अंडरस्टैंड द नॉलेज, क्योंकि उन तत्वों में बड़ा तत्व है पृथ्वी, धरणी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट अमंग दोज एलिमेंट्स इज द अर्थ, द लैंड। धरणी में जितनी भी धरणियां हैं सारी दुनिया में, ऑन द अर्थ इन द एंटायर वर्ल्ड ऑल द लैंड्स दैट एग्जिस्ट, सारी दुनिया की जितनी भी धरणी रूपी कन्याएं माताएं हैं उनका मुखिया कौन? द अर्थ लाइक मेडन्स एंड मदर्स इन द एंटायर वर्ल्ड Who is their chief? है? है? जगदम्बा, छोटे छोटे बच्चे बता रहे। Students, जगदम्बा, जगदम्बा, small children are answering. जगत की अम्बा। It is the world mother. वो जगत की अम्बा पंच तत्वों रूपी तत्वों में मुख्य पार्ट भजाने वाली है। That world mother is the one who plays the main role among the elements. The five elements. और वो जड़त्वमय बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि है? And does she have an inert intellect or a living intellect? वो चैतन्य आत्मा नहीं है? Isn't she a living soul? है? चैतन्य आत्मा तो है लेकिन बुद्धि? क्या प्रूफ? She is indeed a living soul, but what about her intellect? Students, it is inert.
What is the proof? हाँ, बाप थे. A boy. She doesn't know the father. Yes. Why, young man? क्योंकि वो बाप को नहीं जानती. It is because she doesn't know the father. जानती भी है तो परसेंटेज में पहचाना है. If at all she knows him, she has recognized him to some extent. गहराई तक बाप को नहीं जाना है. She doesn't know the father in depth. न जानने के कारण अंत में जब थोड़ी सी भी परीक्षा आती है. Because of not knowing him, when she faces even the slightest exams in the end, फेल हो जाती है या पास हो जाती है. Does she fail or does she pass? फेल पास हो जाती है. आगे आके बैठो और जल्दी. A student, she passes. Fail, does she pass? Sarcastically, come and sit more ahead. फेल हो जाती है. बाप को छोड़ करके चली जाती है. She fails. She goes away leaving the father. जो पहचानने वाला होगा वो बाप को जल्दी छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता. Will the one who recognizes the father leave him quickly? He can't leave him. तो देखो ये पांच तत्व जड़त्वमयी तत्व हैं. So look, all these five elements are inert elements. इन जड़त्वमयी तत्वों से हमारा ये शरीर बनता है. This body of ours is formed with these inert elements. और ये शरीर रूपी धनुष है अभी संगम युग के तामसी पीरियड में सत्व प्रधान है या तमो प्रधान है. एंड इन द डिग्रेडेड पीरियड ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज इज दिस बो लाइक बॉडी सत्व प्रधान और तमो प्रधान है. कैसा है? हाउ इज इट? तमो प्रधान है. इट इज तमो प्रधान. तमो प्रधान शरीर सड़ता रहेगा या तंदुरुस्त होता जाएगा, कंचन काया बनता जाएगा? विल अ तमो प्रधान बॉडी कीप डिकेइंग और विल इट कीप बिकमिंग हेल्दी? कंचन काया लिटरली मीन्स गोल्डन बॉडी, अ डिजीज फ्री बॉडी. है? हाँ, सड़ता जाएगा. स्टूडेंट्स, इट विल कीप डिकेइंग. यस, इट विल कीप डिकेइंग. लेकिन आत्मा? बट वॉट अबाउट द सोल? आत्मा असली बाप को याद करने के कारण. बिकॉज ऑफ रिमेम्बरिंग द ट्रू फादर द सोल स्टूडेंट विल बिकम पावरफुल. असली बाप को याद करने के कारण या बाबा को याद करने के कारण? बिकॉज ऑफ रिमेम्बरिंग द ट्रू फादर और बिकॉज ऑफ रिमेम्बरिंग बाबा स्टूडेंट द फादर. बाप और बाबा में क्या अंतर है? What is the difference between the father and Baba? है? आत्माओं का बाप है शिव. The father of the souls is Shiv. उसको याद करने वाले विदेशी और विधर्मी बनते हैं. Those who remember him become foreigners and Vidharmi. लेकिन जो प्रवृत्ति मार्गीय बाप को याद करते हैं. But those who remember the father who has a companionship. आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति है. देयर इज द कंपेनियनशिप ऑफ द सोल एंड द बॉडी. उसको कहा जाता है बाबा. ही इज कॉल्ड बाबा. क्या? व्हाट? शिव बाबा. शिव बाबा. तो शिव बाबा को जो याद करने वाले बच्चे हैं उनकी आत्मा पावरफुल बनती है. सो द चिल्ड्रन हु रिमेम्बर शिव बाबा देयर सोल बिकम्स पावरफुल. इतनी पावरफुल बनती है. It becomes so powerful. कि सड़े हुए शरीर से भी ईश्वरीय सेवा का वो काम करके दिखाते हैं जो दुनिया के और धर्म पिताओं की बात मानने वाले नहीं दिखा सकते. That even with the decayed body, they perform that task of the divine service which the followers of the other religious fathers can't perform. पक्का हो गया? Have you made this firm? बुढ़ापा तो नहीं सताता? Doesn't old age trouble you? है? नहीं सताना चाहिए. It shouldn't trouble you. फखर आना चाहिए. हम किसके बच्चे हैं? You should have this pride. Whose children are we? ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे हैं जो सारे संसार को रोशनी देने वाला है. We
वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सन ऑफ नॉलेज द फादर हु गिव्स लाइट टू द एंटायर वर्ल्ड। तो देखो बाप कहते हैं, सो लुक द फादर सेज, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यू चिल्ड्रन शुड फील वेरी हैप्पी। ब्रह्मा को भी इतनी खुशी नहीं हो सकती। इवन ब्रह्मा कांट हैव एज मच हैप्पीनेस। भले सतयुग का मालिक बनता है, ऑल्दो ही बिकम्स द मास्टर ऑफ द गोल्डन एज, सारे षष्ठ रूपी वृक्ष का पहला पत्ता बनता है, ही बिकम्स द फर्स्ट लीफ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ट्री, लेकिन पत्ता बनता है, पत्तों का बाप बीज बनता है, ही बिकम्स द लीफ, बट डज ही बिकम द फादर ऑफ द लीव्स द सीड। है बीज में ज्यादा ताकत होती है या पत्तों में ज्यादा ताकत होती है? स्टूडेंट नो, डज द सीड हैव मोर पावर और डू द लीव्स हैव मोर पावर? बीज में ज्यादा ताकत होती है। देयर इज मोर पावर इन द सीड। तो बाप कहते हैं तुम हो मेरे डायरेक्ट सुनने वाले, डायरेक्ट देखने वाले वो बच्चे। सो द फादर सेज यू आर सच चिल्ड्रन ऑफ माइन हु लिसन डायरेक्टली, हु सी मी डायरेक्टली, जिनकी बुद्धि में ये पक्का बैठ जाता है, एंड द वंस इन हुज इंटेलेक्ट इट सिट्स फर्मली। क्या व्हाट क्या बैठ जाता है? What is it that sits in your intellect? जो बाबा ने बोला, जो इन आँखों से देखे। Baba has said, whoever sees through these eyes, जो इन कानों से सुने दो शब्द भी, उसकी बुद्धि में everlasting जीवन तक के लिए क्या बैठ जाएगा? Whoever listens to even two words through these ears, what will sit in his intellect forever? मेरा बाप आ गया। My father has come। ऐसे नहीं आज आ गया और कल, अरे हम तो मुगालते में आ गए थे। It shouldn't be that you think today he has come and tomorrow you think, अरे I was misled। बाप बदल जाए, ऐसे नहीं। And you change your father। It shouldn't be so। अमरनाथ के बच्चे कैसे होंगे? How will the children of Amarnath be? Amarnath means Lord of the Immortal Ones. Amar होंगे। They will be immortal. बेहद की अमरता धारण करने वाले। They will be the ones who have unlimited immortality. पक्का निश्चय बुद्धि बाप के बच्चे बनने वाले। They will be such children of the father who have an intellect with firm faith. निश्चय बुद्धि माने जिंदा। Having an intellect with faith means being alive. और अनिश्चय बुद्धि माने मरे हुए। And having a doubting intellect means dead. तो अभी मृत्यु लोक चल रहा है या अमर लोक शुरू हो गया? So now, is it the mortal world or has the immortal world started? है? है? अभी भी मृत्यु लोक। Students replied. It is the mortal world even now. अभी भी दूसरों की बातें सुनकर के विश्वास करते हैं या नहीं? Even now, do you listen to others' words and believe them or not? हैं? फट से विश्वास कर लेते हैं। You believe them immediately. बल बाबा ने बोला है। क्या? Although Baba has said, what? हैं? एक से सुनना चाहिए। You should listen to the one. अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। If you listen to many, the knowledge will become adulterous. और विविचारी ज्ञान दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ही सुनते हैं। And only those who convert to other religions listen to adulterous knowledge. अपना अपना पार्ट समझ लेना चाहिए। You should realize your respective parts. क्या मैं आत्मा और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली तो नहीं हूँ? Am I the soul that converts to other religions? परसेंटेज में सुन सुन करके फेल होने वाली आत्मा तो नहीं हूँ? Am I the one who listens to others to some extent and fail? कितने नंबर से फेल होते हैं? With how many marks do they fail? और कौन कितने नंबर के बाद पास माने जाते हैं? And after scoring how many marks are they considered to have passed? है?
अरे वन थर्ड, 100 में से 1/3 नंबरों से पास। अरे वन थर्ड, इफ यू स्कोर 1/3 ऑफ 100 मार्क्स यू पास, और उससे कम नंबर तो फेल माने जाते। एंड इफ यू स्कोर फ्यूअर देन दैट यू आर कंसीडर्ड टू हैव फेल्ड। तो अपने को देख सकते हैं कि हमने दूसरों की बात को सुनकर के कितना परसेंटेज में विश्वास किया। सो यू कैन चेक योरसेल्फ्स, टू व्हाट एक्सटेंट डिड आई लिसन टू अदर्स एंड बिलीव देयर वर्ड्स। या कर लेता हूँ या मुरली से टैली करता हूँ, और टू व्हाट एक्सटेंट डू आई बिलीव देम और डू आई टैली इट विद द मुरलीज। अच्छा, मुरली से टैली नहीं कर सकता तो रोज क्लास करके उन बातों को सच्चा है या झूठी बात है जान सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, इफ आई कांट टैली इट विद द मुरलीज, कैन आई अटेंड द क्लास डेली एंड जज और नॉट इफ देयर वर्ड्स आर ट्रू और फॉल्स। वो भी नहीं कर सकता तो बाप मर गया या जिंदा है। इफ आई कांट डू इवन दैट, इज द फादर डेड और अलाइव फॉर अस। ब्रह्मा कुमारियों का बाप मर गया या जिंदा है। डिड द फादर ऑफ द ब्रह्म कुमारीज डाई और इज ही अलाइव। मर गया, ही इज डेड। और हमारा बाप जिंदा है। एंड वॉट अबाउट अवर फादर, ही इज अलाइव। तो आज नहीं तो कल वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं। सो इफ नॉट टूडे देन टूमोरो, कैन वी हैव इट वेरीफाइड और नॉट। कर सकते हैं, वी कैन। ओम शांति, ओम शांति।